Hey, hi friends, welcome to the channel Manzil Bharat. I am Manrukh and aaj hamara topic hai on based on verb tenses. So tenses, hum log verb tenses ya tenses jaise hum English language mein kehte hain, jisme se jo tenses naam sunkar jo hamare dimag mein aata hai, that is the present tense, future tense, past tense. So kahin na kahin tenses kya karte hain? टेंसेस वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन किस टाइम पर हुई थी. क्या वो एक्शन अभी हो रही है? अगर वो वर्तमान में हो रही है, प्रेजेंटली हो रही है, तो प्रेजेंट टेंस होता है. क्या वो एक्शन पास्ट में, अतीत में की गई थी? अगर वो टेंस, अगर कोई एक्शन अतीत में की जाती है तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं. क्या वो एक्शन फ्यूचर में होगी, भविष्य में? अगर कोई एक्शन फ्यूचर में या भविष्य में होती है तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पहले की वर्ब टेंसेस होते क्या है. सो एक लेमैन लैंग्वेज में, अगर सिंपल सी भाषा में अगर इसको बोलें, तो वर्ब टेंसेस वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन हुई थी, एज वेल एज हाउ लॉन्ग इट अकर्ड, कब और कितनी लंबी चली ये एक्शन. उन चीजों का, उन सवालों का जो आंसर हमें देते हैं, वो देते कौन से वर्ड्स हैं? वर्ब टेंसेस. ठीक है, द मेन वर्ब टेंसेस जो हम लोग प्राइमरी स्कूल से करते आ रहे हैं, कि तीन मेन वर्ब टेंसेस होते हैं. एज आई सेड बिफोर, प्रेजेंट, लाइक प्रेजेंटली जो एक्शन हो रही है, ठीक है, या पास्ट में हुई है तो पास्ट टेंस आ गया, या फ्यूचर में होगी, अगर भविष्य की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस आ गई. सो सिंपल भाषा में अगर मैं टेंसेस को, डेफिनेशन को डिफाइन करूं, तो टेंसेस वो फॉर्म ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन कब हुई थी. बात सारी एक्शन की है, कब हुई थी और कितनी देर चली. जो वर्ड्स हमें इस चीज का आंसर देंगे उसे हम वर्ब टेंसेस कहते हैं. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट आते हैं, देर आर अदर aspects as well जो वर्ब टेंसेज, जिन वर्ड्स को या जिन चीजों को हमें आंसर आउट करते हैं, कि जैसे कि ये एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बताते हैं. क्या क्या डिटेल्स वर्ब टेंसेज देता है? जैसे कि लेंथ, एज आई सेड कि कितनी लंबी चली एक्शन, तो लेंथ ऑफ द एक्शन जो हुई थी वो कितनी लंबी थी. ठीक है, कौन सी एक्शन पहले हुई, कौन सी एक्शन बाद में हुई, वेदर अ पास्ट एक्शन, या ऐसा भी ये आंसर इस चीज का भी देते हैं कि कोई एक्शन जो आपने पास्ट में की है उसका क्या कोई कॉन्सिक्वेंस या aftermath या उसका जो अकरेंस है, क्या प्रेजेंटली भी वो फील होता है. ठीक है, सो दीज ग्रामेटिकल, अगर इन्हीं ग्रामेटिकल क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए देयर किक्स इन अ टाइप ऑफ टेंसेस, दैट इज अ सिंपल टेंस, परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर. ठीक है, या तो एक्शन प्रेजेंट की है, या तो एक्शन पास्ट की है, या तो एक्शन फ्यूचर की है. पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कि कोई ना कोई ऑनगोइंग एक्शन है तो उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में रखते हैं. ठीक है, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एज वेल. सो वर्ब टेंसेस लिस्ट, कितने टेंसेस हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में, कितने टेंसेस को हम पढ़ते हैं, कितने टेंसेस ऑल टुगेदर है. स्टैंडर्ड टेंस जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है दोस्तों, वो होता है प्रेजेंट टेंस. ठीक है, जो अगर कहें कि रूट फॉर्म जो रहता है वो वर्तमान काल ही रहता है. ठीक है, मैं पढ़ा रही हूं, मैंने खाना खाया, वर्तमान चीजें. ठीक है, ये रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, इसे रूट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. बाद में, प्रेजेंट के बाद में जो दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, जिसमें से हम कहते हैं जो पास्ट है और फ्यूचर है, उसमें से सिर्फ हम सुफिक्स ऐड करते हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि सुफिक्स क्या होता है? तो सुफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड के बाद में आते हैं, और प्रीफिक्स कौन होते हैं? वो स्मॉल वर्ड्स जो एक वर्ड से पहले इस्तेमाल होते हैं. तो पहले वर्ड्स को हम प्रीफिक्स कहते हैं और बाद में यूज होने वर्ड्स को, वाले वर्ड्स को हम सुफिक्स कहते हैं. अब सिंपल सी बात है कि अंग्रेजी लैंग्वेज में मैंने कहा कि रूट जो आपका वर्ड है या वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ड है, वो है कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस. बाद के जो दूसरे टेंस हैं, जिसमें से एक आता है पास्ट और फ्यूचर, उसमें सिर्फ हम इसमें रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में सिर्फ हम सुफिक्स को एड ऑन कर देते हैं, तो हमारा पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस बन जाता है. जैसे कि
अगर ईडी ऐड कर दें तो पास्ट टेंस बन गया, और मोडल वर्ब अगर विल या शिल ऐड कर दें तो फ्यूचर टेंस बन गया। पर कर किसके साथ, छेड़छाड़ होर किसके साथ रही है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब जो क्या है आपका प्रेजेंट टेंस। बस इतनी सी बात है जो समझनी है, ठीक है। इसके अलावा भी सिर्फ सिंपल पास या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर नहीं होता, इसके अलावा भी हमने बाइफर्केशंस पढ़ी थी, उसको भी हम एक बार नजर देखते हैं कि फॉर ईच पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस में इसके एडिशनल डिटेल्स देता है। एडिशनल चार एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन सी, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस चाहे वो प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, पास्ट में इस्तेमाल होता है या फ्यूचर में होता है, वो बताता क्या है। कॉन्टिन्यूस टेंस हमें बताता है कि एक्शन ऑन गोइंग है, ठीक है, दैट एन एक्शन इज ऑन गोइंग। ये पास्ट में भी प्रेजेंट में भी आप इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी इज स्लीपिंग, मतलब वो अभी भी सो रही है, दैट इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। या पास्ट में आप बोल रहे हैं शी वॉज स्लीपिंग, मतलब जिस टाइम में आप, जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस की आप बात कर रहे थे पास्ट में, उस टाइम ऑनगोइंग एक्शन थी, वो उस टाइम पर सो रही थी, तो दैट इज व्हाई इट इज अ पास्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में अगर आप बात करें शी विल बी स्लीपिंग, आप जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस में भविष्य की बात कर रहे हैं उस टाइम पर वो सो रही होगी। तो जब कोई एक्शन ऑनगोइंग होती है तो हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस का ही मतलब है ऑनगोइंग एक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में इनकी सेंट्रल डिविजन्स हैं। प्रेजेंट एक्शन, सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट बताता क्या है कि एक्शन कब हो रही है, अभी, नाउ, ठीक है। जो फॉर्म ऑफ वर्ड ये बताता है या फॉर्म ऑफ टेंसेस ये बताते हैं कि एक्शन अभी हो रही है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वाइल द पास्ट बताता है कि एक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी, दैट हैपेंड earlier, या the future describes that the action that will happen later, या होगी, ठीक है। तो जो सवालों के उत्तर दे रहा है कब होगी, अगर तो अभी होगी तो कौन सा टेंस उठता है, दैट इज द प्रेजेंट। अगर तो कोई एक्शन हो चुकी है तो कौन सा टेंस उठेगा, पास्ट। अगर कोई एक्शन होगी भविष्य में तो कौन सा टेंस उठेगा, दैट इज द फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल टेंसेस की अभी, ठीक है, क्योंकि हम बाइफर्केशन के तरीके से चलेंगे आराम आराम से, सो दैट ये जो कंसेप्ट है, जो प्राइमरी कंसेप्ट है, वो अच्छे से हम लोग उसका होल्ड बना सके। तो सिंपल टेंस ग्रामेटिकल एस्पेक्ट दैट रेफर्स टू जो नॉर्मल फॉर्म्स होंगी, किसकी नॉर्मल फॉर्म, पास्ट की नॉर्मल फॉर्म, प्रेजेंट की नॉर्मल फॉर्म, एज वेल एज फ्यूचर की नॉर्मल फॉर्म। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा या नथिंग कुछ फैंसी करने को नहीं मिलेगा, इट इज जस्ट अ नॉर्मल फॉर्म, उसे हम सिंपल टेंसेस कहते हैं। अनलाइक द अदर एस्पेक्ट, ना तो ये कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ये सिर्फ आपको बताता है कि जिस एक्शन की आप इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों बात कर रहे हैं, वो एक्शन हुई कब थी, क्या वो पास्ट में हुई थी, क्या वो एक्शन फ्यूचर में हुई थी, क्या वो एक्शन अभी हुई थी। प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट सिंपल टेंसेस को हम लोग सिंपल टेंसेस कहते हैं। सो कह सकते हैं ट्रू टू इट्स नेम, जस्टिफाइड है, ये अपने नाम के साथ पूरा जस्टिफाई करता है कि दिस एस्पेक्ट इज वेरी इजी टू यूज, है ना, एंड हैव अ, इसके सबसे ज्यादा जो रूल्स है, सबसे ज्यादा अगर आप टेंसेस का चैप्टर खोलेंगे तो सबसे कम रूल्स आपको किस चैप्टर में मिलेंगे, सिंपल टेंसेस में मिलेंगे, ठीक है। परफेक्ट टेंस क्या बताता है, जिसमें पास्ट परफेक्ट भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है, इवन कि ये प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है जहां कहीं रिलेशन की बात हुई या कंप्लीट है या ऑनगोइंग है, वहां पे हम परफेक्ट को किक इन कर देते हैं। जैसे कि इन द सेंटेंस, सेंटेंस है I have played soccer since I was a child. तो अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा गंभीरता से देखेंगे, I have played soccer is a game which she has played जब वो बच्ची थी, तो यहां पर जिस पॉइंट को, किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है ना, कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस है या किसी टाइम की बात हो रही है जो कहीं ना कहीं पास्ट में था, ठीक है ना,
कहीं ना कहीं जो पुराना था, कहीं पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है, हेरा दैट रिलेट टू अदर पॉइंट्स इन टाइम। सो यहाँ पे अभी अगर कोई सॉकर खेल रहा है तो वो बोल रही है कि मैंने सॉकर ऑलरेडी खेला था जब मैं छोटी बच्ची थी, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड आई हैव प्लेड सॉकर, मैं खेलती हूँ सॉकर। ठीक है, जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात होती है वहाँ पे हम परफेक्ट टेंसेस लगाते हैं। सो परफेक्ट टेंस इंडिकेट करता है दैट द एक्शन अकर्ड कॉन्टिन्यूसली इन द पास्ट एंड प्रेजेंट में भी वो एक्शन हो रही है, तभी हमने हैव लगाया। बाय कॉन्ट्रास्ट इन अ सेंटेंस अगर आप देखें, आई प्लेड सॉकर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, समझने की कोशिश करिएगा, वहां पे था आई हैव प्लेड सॉकर सिंस आई वाज अ चाइल्ड, मैं सॉकर खेलती हूं जब से मैं छोटी बच्ची हूं, ये वो बोल रहा है। ठीक है, सेंटेंस चेंज हो गया, परफेक्ट ही लगा पर पास्ट में चला गया। यहां पे ये बोलता है आई प्लेड सॉकर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, सिंपल पास्ट टेंस है। क्या बताता है कि जो एक्शन हुई थी वो सिर्फ पास्ट में हुई थी और इसका कोई प्रभाव नहीं है कहां पे, प्रेजेंट में। जब ऐसी कोई सिचुएशन की बात होती है तो सिंपल पास्ट लगता है, राइट। द परफेक्ट टेंसेस यूज अ कंजंक्शन ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ड, या तो हैव लगेगा विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। बात हो रही है अगर तो प्रेजेंट की हो रही है सो उसमें आपका जो कंजुगेशन ऑक्सिलरी वर्ब है या तो हैज लगता है या हैव लगता है, और हैज और हैव के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है दोस्तों, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ठीक है, दैट इज वाई हमने थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले का कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, लास्ट फॉर्म ऑफ किया, दैट इज वाई हमने ईडी उसमें एड कर लिया। फिर आ रहा है कॉन्टिन्यूस, एज आई ऑलरेडी सेड कॉन्टिन्यूस मतलब ऑन गोइंग एक्शन बिफोर कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल they are studying all night means the studying last many hours before it is finished, matlab koi bhi ongoing action agar baat hoti hai to usme hum log kaun sa tense istemal karte hain, continuous, simple si bhasha mein agar hum ise bole। please note that you usually do not use continuous tenses like kiske sath nahi use karte, aap mat itna confuse hoiye, abhi hum na sirf koshish karte hain ki jitna hum inhe simple form kar de। अब यहां पर हमारे पास वर्ब टेंसेस का चार्ट है, अभी लुक इनटू दिस चार्ट। ठीक है, सिंपल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, एग्जाम्पल के साथ साथ करते हम इसे इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे विद द एग्जाम्पल्स गिवन। तो अगर सिंपल की बात है जिसमें अगर हम लोग सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट पर, ठीक है, प्रेजेंट हुआ किस क्वेश्चन का आंसर देता है, नाउ का आंसर देता है। ठीक है, अभी, सो आई हेल्प माय नेबर एवरी डे, मैं अपने पड़ोसी की हमेशा मदद करता हूं, मतलब प्रेजेंटली भी अभी भी वो करता है, तो हेल्प नेबर एवरी डे। ठीक है, अगर इसी चीज को सिंपल पास्ट में मुझे लिखना हो तो आई हेल्प माय नेबर यस्टरडे, मैंने परसों अपने नेबर की हेल्प की, तो मैंने ईडी लगा दिया। ठीक है, फिर अगर मुझे फ्यूचर में बताना हो, भविष्य में बताना हो, आई विल हेल्प माई नेबर टुमारो, मैं अपने नेबर की हेल्प करूंगा कल, मेरी नेबर ने मुझसे हेल्प मांगी है और मैं करूंगा, मतलब करूंगा, अभी की नहीं है, करूंगा, तो सिंपल फ्यूचर हो गया। सिमिलरली अगर परफेक्ट में चले जाए जहां पर हमने बोला कि ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव का इस्तेमाल होता है, उसमें अगर हम देखें तो प्रेजेंट में क्या बोल रहा है, I have helped my neighbor too much this week. मतलब कहीं ना कहीं एक contrast of reference की बात हो रही है, एक point of reference या relatively किसी चीज को compare किया जा रहा है। क्या बोलता है कि मैंने इस हफ्ते अपने neighbor की बहुत मदद की है, तो यहां पर उसने present perfect में have इस्तेमाल किया है, because I के साथ have इस्तेमाल होता है, और have के साथ कौन सा form of verb इस्तेमाल होता है दोस्तों, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ईडी लग गया। ठीक है, तो आई हैव हेल्ड माय नेबर टू मच दिस वीक, इसी को अगर मुझे पास्ट में ले जाना है तो मैं कैसे करूंगी, पास्ट परफेक्ट कैसे बनाऊंगी, हैव की जगह मैं हैड कर दूंगी, बिकॉज यू शुड नो कि हैज और हैव का थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट क्या है, हैड ही है। आई हैड हेल्प्ड का हेल्प ही रहेगा, माय नेबर क्लीन हिज अटिक बिफोर आई फिक्स्ड हिज कार। फ्यूचर में चले तो कौन सा मोडल वर्ब हम इस्तेमाल कर देते हैं,
विल कर देते हैं तो आई विल हैव हेल्प माई नेबर 100 टाइम्स बाय द एंड ऑफ मंथ, फ्यूचर की बात हो रही है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या बोलता है? किसी ऑनगोइंग एक्शन की बात करता है। प्रेजेंट में अगर फोकस करो, आई एम हेल्पिंग माई नेबर व्हाइल ही फिक्सेस अप हिज हाउस, जब वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है मैं अपने नेबर की हेल्प कर, तो कोई ना कोई ऑनगोइंग एक्शन है जो प्रेजेंटली अभी हो रही है। इसी को अगर मैं पास में ले जाऊं, आई वॉज हेल्पिंग माई नेबर जब उसने आइस टी लाई मेरे लिए, फाइन। इसी को अगर मैं फ्यूचर में ले जाऊं, आई विल बी हेल्पिंग माई नेबर नेक्स्ट मंथ जब वो यहां पर शिफ्ट होगा या मूविंग होगा। इसी में अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब कहीं ना कहीं अब कंट्रास्ट आएगा पर ऑनगोइंग आएगा, प्रेजेंट में चलू तो क्या बनता है, इसमें हैव बीन इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। बी, आई हैव बीन, बिकॉज हमने परफेक्ट में पढ़ा तो हैव और हैज इस्तेमाल हो रहा है, यहां पे बीन और कॉन्टिन्यूस है तो आई एन जी लगेगा, ठीक है। तो आई हैव बीन हेल्पिंग माई नेबर सिंस आई मूव्ड इट। पास्ट में चलो तो हैव का हैड कर दो, बीन का बीन ही रहेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, आई एन जी ही लगेगा। आई एन जी बताता है कि एक्शन क्या हो रही है, ऑनगोइंग हो रही है। तो आई हैड बीन हेल्पिंग माई नेबर फॉर अ ईयर बिफोर ही फाइनली थैंक्ड मी। इसी का अगर मैं फ्यूचर चलूं कि भविष्य में, तो विल लगाऊंगी, विल के साथ हैव लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो बीन और प्लस आई एन जी लग जाता है, तो बीन हेल्पिंग माई नेबर फॉर अ ईयर नेक्स्ट मंथ। सो ये चार्ट है विद द फॉर्म ऑफ वर्ब कि हम इसे कैसे देखते हैं। पास्ट टेंस की अगर हम बात करें, सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें, सिंपल पास्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है पास्ट में, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा हम उसको एम्फसाइज या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। छोटा, आराम से समझने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी, ठीक है, रादर देन रीडिंग इट हम जस्ट इसको एक फटाफट से कंपाइल करेंगे ताकि प्रैक्टिस सेशन के लिए हम तैयार हो जाएं। सो इसमें हम ईडी लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसे छोड़ दो। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट का कॉम्पोजिशन क्या होता है। दोस्तों सिंपल पास्ट में मैंने बताया कि एक सिंपल तरीके से पास्ट एक्शन हुई है तो सिंपल पास्ट इस्तेमाल कर। अब पास्ट परफेक्ट कहां लगेगा, पास्ट परफेक्ट का पहले तो फॉर्म देखिए, हैड लगाओगे प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे, राइट। जैसे कि अगर मूव्ड है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका क्या होगा, मूव्ड होगा। अगर प्ले है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका क्या होगा, इस्तेमाल होगा, प्लेड होगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट, जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम उस टाइम पर दो एक्शंस की बात करते हैं इन द पास्ट, और हम ये बताना चाहते हैं दैट वन हैपेंड, एक से पहले दूसरी हुई है। जब कंपैरिजन या पॉइंट ऑफ रेफरेंस पास्ट में होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल पर फोकस करेंगे, शी हैड अराइव्ड एट द ऑफिस बिफोर शी रियलाइज्ड इट वॉज संडे, हम कहीं ना कहीं एक पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, संडे की बात कर रहे हैं कि वो ऑफिस आई थी, वो ऑफिस पहुंच चुकी थी, फिर उसको याद आया कि यार आज तो संडे था, आज तो ऑफिस बंद होगा, है। तो दो एक्शंस की हमने इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बात की दोस्तों, दो एक्शंस की बात की है और हमने ये बताया है कि वो ऑफिस पहुंच चुकी थी, फिर उसको रियलाइज हुआ कि संडे, तो एक एक्शन दूसरी एक्शन इन द पास्ट में पहले हुई है, कहीं ना कहीं एक पहले होती है फिर दूसरी बाद में होती है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्शन, उसको बताने के लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड, अगर आप देखेंगे सेंटेंस, आई रन टू माय कार व्हेन आई नोटिस माय वाइफ हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड लेफ्ट ऑलरेडी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो एक्शंस हैं, मैं भागा अपनी गाड़ी की तरफ एंड जब मैंने देखा पर मेरी बीवी तो वहां से जा चुकी थी, उसने ऑलरेडी लेफ्ट, तो पहले क्या हुआ है एक्शन कि बीवी चली गई है और फिर वो भागा है, है ना। सो कहीं ना कहीं जब पास्ट में दोनों एक्शंस हुई है ना, कि वो बता रहा है पास्ट एक्शन के बारे में, बता रहा है कि मैं भागा था पर वो जा चुकी थी, ठीक है। सो बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन है, पास्ट में है तो कौन सा टेंस लगाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाओगे। सिमिलरली अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का पहले तो आप फॉर्म ऑफ वर्ब देखें कि कौन सा लगेगा, ठीक है, जो हम कैसे
हम पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाते कैसे हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं दोस्तों हम वॉज एंड वर, वॉज इज विद द सिंगुलर, वर इज विद द प्लूरल, प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, दैट इज द सॉरी पास्ट पार्टिसिपल दैट इज योर सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस. जैसे कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन कॉन्टिन्यूस टेंस तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि जो ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट जो हुई थी, स्पेशली द एक्शन वो इंटरप्टेड हो चुकी थी बाय द अनदर एक्शन. अगेन वी आर रेफरिंग टू टू एक्शंस, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं कि वो एक्शन, एक एक्शन चालू थी और दूसरी एक्शन ने कहीं ना कहीं उसको हॉल्ट कर दिया, इंटरप्ट कर दिया. जब हम ऐसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस लगा रहे हैं. पास्ट परफेक्ट में क्या किया, वहां पर भी हमने दो एक्शंस को कंपेयर किया, बट हमने क्या बोला कि एक एक्शन पहले हुई फिर दूसरी एक्शन हुई फॉलोड बाय द अनदर एक्शन. पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हुआ कि एक एक्शन चालू थी, चल रही थी, ऑनगोइंग थी और दूसरी एक्शन ने उसको इंटरप्ट कर लिया. समझ आएगी जब हम सेंटेंसेस को देखेंगे. जैसे कि सेंटेंस आपके सामने है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, माय डॉग वॉज विम्परिंग इन स्लीप व्हेन द टीवी वोक हिम अप, ठीक है. अब ध्यान से देखिए, दो एक्शंस हैं, मेरा कुत्ता सो रहा था, ठीक है, मतलब वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था अपनी नींद में जब टीवी की आवाज ने उसे जगा दिया. तो कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, एक ऑनगोइंग एक्शन थी कि वो सो रहा था, विम्परिंग कर रहा था अपनी स्लीप में, और दूसरी एक्शन ने क्या किया, इंटरप्ट किया. तो जहां पे हाल्ट हुआ या इंटरप्शन हुआ पास्ट में, वहां पे आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे. सिमिलरली अगर आप दूसरे सेंटेंस पर गौर करें, as kids my friends and I were always getting into trouble, हम जब छोटे बच्चे थे तो मैं और मेरा दोस्त हमेशा ट्रबल में होते थे. एक तो ongoing एक्शन थी कि बचपन से ही और अभी भी वो ट्रबल में ही टाइप है, कि वो बता रहा है कि बचपन से ही ये किस्मत का खेल है कि मैं और मेरा दोस्त हमेशा चाहे या ना चाहे they always land up in trouble. तो ongoing एक्शन है, पास्ट में हुई है, इंटरप्शन हो रहा है, तो आप कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसी प्रकार से आपके पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें आप यूज करेंगे हैड, एज आई सेड बिफोर, बीन प्लस आपका कॉन्टिन्यूस आईएनजी इस्तेमाल करेंगे. सिंपल से आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ प्लस आईएनजी. ये बताता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज जस्ट लाइक द एक्सेप्टेड डिस्क्राइब कि ऑनगोइंग एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट इंस्टेड ऑफ वन टाइम ऑकरेंस इट्स ऑफन यूज्ड विद द वर्ड्स व्हेन अंटिल एंड बिफोर टू कनेक्ट इट टू अनदर पास्ट एक्शन. ये एग्जैक्टली वन बिफोर द अनदर ही होता है, ठीक है. जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में किया कि पहली एक्शन पहले हुई है या दूसरी एक्शन बाद में हुई है, और वन बिफोर एंड आफ्टर वाला केस उसी प्रकार से होता है, पर कहीं ना कहीं ongoing action है और कुछ words हैं जिनके साथ ये इस्तेमाल होता है, जैसे कि when हो गया, until हो गया, before हो गया, ताकि वो connection बता सके. उसमें हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं tense, past perfect continuous. example के तौर पे अगर हम देखें, जैसे कि एक तो पहले हमने word लगा दिया before, ठीक है, before he got his first job as a writer he had been working as a proof reader. तो समझने की कोशिश करो, एक तो दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस बिफोर एंड आफ्टर की है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर. ये कहता है बिफोर ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब एज अ राइटर, अभी वो राइटर है पर पहले वो क्या था, ही हैड बीन वर्किंग एज अ प्रूफ रीडर था, ठीक है. सो वन आफ्टर अनदर है, बिफोर एंड आफ्टर वाला केस सिनेरियो है बट ऑनगोइंग है ना. बिफोर He got his first job, उसकी जो पहली जॉब थी पास्ट में राइटर, उससे पहले ongoing जॉब कौन सी थी उसकी, प्रूफ रीडर, ठीक है. तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल कर रहे हैं. सेकेंड अगर सेंटेंस देखें, आई हैड बीन लिविंग ऑन माई फ्रेंड्स काउच फॉर अ ईयर अंटिल उसने मुझे बाहर किक आउट कर दिया, बाहर फेंक दिया. मैं अपने दोस्त के घर, दो एक्शंस है, बिफोर एंड आफ्टर. मैं जब वो मुझे बाहर उसने लात मारी, उससे पहले मैं अपने फ्रेंड के घर उसके काउच में रह रहा था फॉर अ वन ईयर. एक कॉन्टिन्यूस एक्शन थी जो मैं पास्ट में कर रहा था,
पर वन ऑफ टू अनदर वाली एक्शन का सिनेरियो है, तो हमने क्या इस्तेमाल किया यहां पर, ऑनगोइंग भी है, वन बिफोर एंड आफ्टर वाली सिचुएशन है, तो कौन सा टेंस किकिंग कर देगा इसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिंपल प्रेजेंट पर। सिंपल प्रेजेंट जस्ट एक सिंपल तरीके से बात करें, एज सिंपल एज इट इज, अभी हो रहा है जो एक्शन, इसमें एस लगा रहे हो, ई एस लगा रहे हो, डजंट मैटर। ठीक है, सो सिंपली जो एक्शन अभी हो रही है उसको सिंपल प्रेजेंट कहेंगे, फटाफट से अगर बात करें। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, टुडे आई फील लाइक अ मिलियन बक्स, माय ब्रदर कैरीज द ग्रोसरी व्हाइल माय सिस्टर सेज ऑन द काउच, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसी में प्रेजेंट परफेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म ऑफ देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हैव एंड हैज, हैज इज विद सिंगुलर, हैव इज विद प्लूरल, एक्सेप्शन इज आई, प्लस हैव और हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। सिंपल तरीके से अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसमें हम क्यों कब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जब हम बताते हैं कि ऑनगोइंग एक्शन स्टार्ट हुई है पास्ट में, दैट इज नॉट येट कंप्लीटेड, नहीं है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड, डिफिकल्ट लेने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट एनालाइज कि कहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, वी हैव ट्रिक्ड हिम एवरी अप्रैल फूल्स डे सिंस वी वर किड्स, बचपन से ही और अभी भी, बचपन से लेकर अभी भी है ना कहीं देखो ना, खुद इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, बचपन में करते थे हम, करते थे कहीं ना कहीं एक ऑनगोइंग एक्शन थी जो पास्ट में हो रही थी, बट उसको हम अभी भी चालू किए हैं हमने, मतलब उसको हम वर्तमान में भी प्रेजेंटली भी इस्तेमाल यूज कर रहे हैं या हो रही है। तो ऐसे केस सिनारियों में आप कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई नीज हैज ग्रोन सो मच दिस ईयर, पिछले साल से, एक्शन देखो ग्रोथ वाली जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई, अब अगले साल और ग्रो करेगी, पर अभी प्रेजेंटली की बात कर रही है कि यार ये बच्ची कितनी लंबी हो गई, कहते नहीं है कितनी लंबी हो गई, यार पिछले साल ये छोटी सी थी, टिंगड़ू सी थी, कितनी लंबी हो गई। तो माई नीज हैज ग्रोन सो मच दिस ईयर, जहां पे दोस्तों कोई एक्शन जो ऑनगोइंग थी पास से पर वो कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें हम यूज कर रहे हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऑनगोइंग एक्शन है प्रेजेंटली, प्रेजेंट सिनेरियो में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आप चुप करके इस्तेमाल कर लोगे, आप बस फॉर्म ऑफ वर्ब पर फोकस करेगा कि कैसे बनाएंगे, हम एम इस्तेमाल करेंगे, इज करेंगे, आर करेंगे, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी जो इसने नहीं लिखा है, कि ये बताता है कि एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, अभी हो रही है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। आई एम रीडिंग द हिचकिंचर गाइड टू द गैलेक्सी फॉर द फिफ्थ टाइम, वी आर ईटिंग पिज्जा टुनाइट। सिमिलरली अगर सिमिलर सिचुएशन में आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहां पे परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट में, कि प्रेजेंट परफेक्ट हम वो एक्शन के बारे में बात करते हैं जो स्टार्ट हुई थी पास्ट में पर कंप्लीट नहीं हुई और अभी भी कंटिन्यू है, तो परफेक्ट इस्तेमाल है, प्लस इसमें मतलब ऑनगोइंग एक्शन है ना। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि ऑनगोइंग एक्शन जो प्रेजेंट में चल रही है उसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, पास्ट में हुई थी, पर अभी भी एक्शन चल रही है। इट इज ऑफन यूज्ड टू, ये बताता है कि इतनी लंबी तरीके से ये एक्शन चल रही है। किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं, हैव विद द प्लूरल, हैज विद द सिंगुलर, प्लस हम बीन लगाते हैं, प्लस हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं इसका आईएनजी के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे, वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर एंड आवर, एक घंटे से ऊपर हो गया और हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे, अभी भी सॉरी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो कोई एक्शन जिसकी शुरुआत कब हुई, पिछले एक घंटे से, और वो एक्शन अभी भी चालू है, इस सिनारियो में आप कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिमिलर सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, द टीम हैज बीन पार्टिस प्रैक्टिसिंग नॉनस्टॉप फॉर द प्रैक्टिसिंग नॉनस्टॉप फॉर द टूर्नामेंट। सो टूर्नामेंट जो शायद अगले हफ्ते है या जब भी है, पर उस चीज की प्रैक्टिस जो टीम है वो पिछले एक साल से शायद कर रही है, दो सालों से कर रही है और अभी भी कर रही है। तो एक्शन स्टार्ट कहाँ हुई है, पास्ट में हुई है।
एक्शन क्या अभी भी चल रही है? हाँ बिल्कुल, प्रेजेंटली भी चल रही है। और जब ये वाली सिचुएशन आती है तो कौन सा टेंस हम लोग लगाते हैं? दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंपल सी बात है। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर सिंपल ही है, जैसे सिंपल फ्यूचर होता है। सिंपल फ्यूचर बता रहा है प्लेस कर देंगे मोडल वर्ब विल रूट के साथ और बताता है कि ये एक्शन होगी कब? भविष्य में। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे कि शी विल बी प्रेजिडेंट, वो प्रेजिडेंट बनेगी वन डे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप विल बी द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये भविष्य हकीकत में बदल गई। सो एक सॉर्ट ऑफ फ्यूचर टेंस था ये। आई विल नॉट गो टू द वेडिंग, आई विल नॉट गो टू द वेडिंग विदाउट अ डेट, ठीक है। सो मतलब मैं नहीं जाऊंगी, ये भविष्य। जहां पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं दोस्तों, वहां पे चुपचाप आप विल लगा लेंगे और विल के साथ आप सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपेंट लगाएंगे और आपका बन जाता है ये फ्यूचर टेंस। जहां पे भविष्य की बात होती है सिंपल तरीके से, वहां पर हम क्या लगा रहे हैं दोस्तों? सिंपल फ्यूचर लगा रहे हैं कि ये एक्शन फ्यूचर में होगी या होने की संभावना है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। अब इसमें भी बाइफर्केशन है, जैसे बाकियों की बाइफर्केशन है दोस्तों। जैसे कि पहला है फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में भी हमने देखा कि दो एक्शन थे, बिफोर आफ्टर का सिनारियो था। प्रेजेंट परफेक्ट में देखा कि कोई एक्शन पुराने टाइम पे स्टार्ट हुई थी पर चल रही थी या चलती आ रही है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या सिनारियो है? फ्यूचर परफेक्ट में एक तो अगर आप इसको बनाने का तरीका देखें तो ये है, विल लगाएंगे, ठीक है, हैव लगाएंगे, क्योंकि विल तो मोडल फॉर्म फ्यूचर में लगता ही लगता है। हैव लगाएंगे प्लस द हैव के साथ हमेशा क्या लगता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट बताता है कि एक एक्शन जो कंप्लीट हुई थी दैट विल बी कंप्लीटेड इन अ फ्यूचर एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस बता रहा है कि जो एक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कंप्लीट कब होगी? फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होगी, राइट? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अनदर टाइम, द फ्यूचर परफेक्ट इज ऑफन वर्ड्स यूज लाइक बाय, इस्तेमाल होता है बिफोर एट एंड व्हेन। सुनिए ध्यान से, बाय द टाइम यू रीड दिस आई विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की। मतलब इसमें फ्यूचर परफेक्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कहना चाहते हैं कि वो जो एक्शन है वो फ्यूचर में उस टाइम पर स्पेसिफाइड टाइम में जाकर कंप्लीट होगी, तब हम फ्यूचर परफेक्ट लगा रहे हैं। मतलब और इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाय का, एट का, व्हेन का, बिफोर का, ठीक है। जब तुम ये पढ़ चुके होंगे मैं यहां से ऑलरेडी जा चुका होऊंगा, फ्यूचर में एक स्पेसिफाइड टाइम की बात कर रहा है कि जब तुमने पढ़ लिया होगा मैं जा चुका होऊंगा, ठीक है, गया नहीं है, फ्यूचर में जाएगा, तो यहां पे फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। सिमिलर सिचुएशन में जैसे कि शी विल हैव ईटन लंच बिफोर हर सिस्टर वेक्स अप। सो उसने ऑलरेडी लंच कर लिया होगा क्योंकि महारानी जागती हैं 12 या 12:30, उस टाइम तक उसने लंच कर लिया होगा। कर लिया होगा, होगा जहां पर होगा, और देर इज अ कंपेरिजन ऑफ टू एक्शन। ये भी ध्यान रखिएगा कि कंपेरिजन है, बिफोर एंड आफ्टर की सिचुएशन है। बिफोर आफ्टर की सिचुएशन में क्या लगता है मेरे दोस्तों? परफेक्ट टेंस लगता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो कौन सा टेंस आ जाता है यहाँ पे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाता है। इसी प्रकार से आपके पास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसका अगर आप फॉर्मेशन देखें तो फॉर्मेशन कैसी है? विल लगेगा, बी लगेगा, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपेंट आईएनजी में ही, ठीक है। हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं जब कोई एक्शन, फ्यूचर एक्शन हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, स्पेशली व्हेन अ स्पेसिफिक टाइम इज, इसमें स्पेसिफिक टाइम की मेंशनिंग आउट है। एग्जांपल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके, स्पेसिफिक टाइम की कोशिश करते हैं समझने की। इसमें कह रहा है बाय दिस टाइम टुमारो आई विल बी ड्रिंकिंग मार्गरिटास ऑन द बीच। मतलब मैं गोवा इस टाइम, ये जो टाइम अभी बज रहे हैं 2:30 या 3 o'clock, इस टाइम पर जब मैं होऊंगा, कल की बात हो रही है, एक तो फ्यूचर की बात हो रही है, तब मैं वहां पे बीच में बैठ के मार्गरिटास पी रहा हूंगा। मतलब एक ऑनगोइंग एक्शन है,
बट एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की एक्शन है, कहीं ना कहीं ये स्पेसिफाइड पीरियड बता रहा है विद द ऑनगोइंग एक्शन. यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल होता है. We will be attending a wedding from noon until 3 p.m. ठीक है, हम noon से until 3 p.m. तक एक wedding को या meeting को attend कर रहे होंगे. कल की बात है, मतलब specified period of time की और ongoing action की बात है, वहां पे हम future continuous इस्तेमाल करते हैं. Next है हमारे पास future perfect continuous. इसका formation क्या है? Will लगेगा, have लगेगा, been लगेगा प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपेंट प्लस आईएनजी लगेगा. जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस क्या बताता है? बताता है कि जो फ्यूचर में ऑनगोइंग एक्शन है वो एक टाइम तक, देखो फ्यूचर की जितने भी टेंसेस हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम की बात कर रहा है. ऑनगोइंग एक्शन भी हो रही है तो स्पेसिफाइड टाइम तक चल रही है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आप देखें, इन 10 मिनट्स माय पेरेंट्स विल हैव बीन वेटिंग इन ट्रैफिक फॉर 4 hours. मतलब 10 मिनट और मेरे माँ बाप उस ट्रैफिक में 4 घंटे से वेट कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं एक पीरियड ऑफ एक्शन की बात हो रही है ना, टाइम की बात हो रही है. तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और फ्यूचर भी है. ठीक है, आई विल हैव बीन ईटिंग हेल्दी फॉर अ होल ईयर बाय सितंबर. मतलब मैं खा रहा हूँ, मतलब मैं जनवरी से खा रहा हूँ या मतलब पिछले सितंबर से हेल्दी फूड ही खा रहा हूँ और इस सितंबर तक, अभी सितंबर आया नहीं है पर जब ये सितंबर आएगा मैं पूरे 1 साल से क्लीन फूड खा रहा हूँ. सो फ्यूचर मतलब सितंबर फ्यूचर में है और एक एक्शन जो दो मतलब एक्शन है जो कॉन्टिन्यूसली चल रही है और कंप्लीट होगी फ्यूचर में जाकर, वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, सो विद दिस हमने जो इम्पोर्टेंट जो टेंसेस हैं जिनमें से हमारे प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आते हैं और उनके जो बाइफर्केशन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनके यूसेजेस कहाँ पर है उसको हमने कंप्लीट किया है. विद दिस हमारा जो सिलेबस है वो ऑल टुगेदर कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल स्टार्ट द एमसीक्यू सेशंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड अदर कॉम्पोनेंट्स एज वेल ऑफ जीएस जो हमने अभी नहीं किए हैं, सो दैट जितना हम रिवाइज करेंगे उतना जल्दी हमारी जल्दी मतलब रिविजन होती चलेगी. सो ऑन दिस नोट आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.